नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र के ब्रेकिंग के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 24 और महायुति को 22 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं महायुति जो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो एक बनाई थी शिंदे सरकार के शिंदे गुट के साथ और अजित पवार गुट के साथ, वहां कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दो सीटों से महाविकास आघाड़ी सामने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, दो सीटों से महाविकास आघाड़ी आगे जरूर जा रही है। और विदर्भ और नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में नितिन गडकरी जी 40,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। वही दूसरी ओर अमरावती में देखा जाए तो अमरावती में कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े आगे चल रहे हैं। वहां पे सबकी नजर थी बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा पीछे चल रही है यहाँ पे। और औरंगाबाद संभाजी नगर से इम्तियाज जलील 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। अमित शाह 1,00,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब विदर्भ में भी महाविकास मतलब महायुति को एक ही सीट आगे चल रही है। अमरावती में पीछे चल रहे, वर्धा में पीछे है, चंद्रपुर में पीछे। चंद्रपुर की एक सबसे बड़ी हाई वोल्टेज सीट मानी जाती थी प्रतिभा धानोरकर और मंत्री इस मुनगटीवार के खिलाफ जी। तो ये जो रणनीति बनाई गई थी सुधीर मुनगटीवार जो मंत्री है प्रतिभा धानोरकर की थी, उन्होंने एक वक्तव्य भी किया था उसके ऊपर, उन्होंने टिप्पणी की थी मुनगटीवार जी ने। तो आपको क्या लगता है ये मतलब लोगों ने मुनगटीवार जी को जो फिलहाल अभी तक जो नापसंदी दिखाई है उसके पीछे का बड़ा कारण था? देखो, इसके पीछे का एक सहानुभूति फैक्टर भी चला है ना। पिछली बार देखा कि 6 महीने पहले बाड़ो धानोरकर इनकी मृत्यु हुई थी, एक सहानुभूति फैक्टर भी एक जोरों से चला था। और दूसरा ये भी देखने को मिला सुधीर मुनगटीवार जी की एक विधानसभा क्षेत्र में वो अच्छे एक विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है, मगर जो लोकसभा सीट है, लोकसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा आता है। यवतमाल के आर्नी वनी भी इसमें मौजूद हैं और उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उतनी तैयारी शायद सुधीर मुनगटीवार कर नहीं पाए थे, इसके वजह से कहीं ना कहीं आंकड़ों में आपको फेरबदल जरूर देखा जाएगा। और आखिरी समय में बीच में उन्होंने इच्छा बोले नहीं भी जताई थी सीट लेने की, लोकसभा सीट लेने के लिए वो तैयार भी नहीं थे। तो भी उन्होंने पहले एग्जिट पोल में भी यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर जीतने वाली है और अभी थर्ड राउंड तक 26,000 वोटों से प्रतिभा धानोरकर चंद्रपुर से आगे नजर आ रही है, तो यही फैक्टर हो सकता है अभिषेक। हाँ, अरे देश पूरे देश की बात करें तो एनडीए को 310 और इंडिया को 212, ये सबसे बड़ा आंकड़ा मतलब अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे इंडिया आघाड़ी के लिए सबसे बड़ी खबर होगी कि 212 तक इंडिया आघाड़ी आगे बढ़ रही है। जी हाँ, जो एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा था कि इंडिया आघाड़ी 150 के अंदर ही सिमटने वाली है, तो यही थोड़े देर पहले तो ऐसा भी एक रुझान आ चुका था 244 है ना, एक सिमिलर। और कभी कभी आघाड़ी इंडिया आघाड़ी आगे चली गई थी, ये इंडिया आघाड़ी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पंजाब और यूपी में बहुत भारी फेरबदल दिखा गया है, समाजवादी पार्टी ने यूपी में बहुत अच्छे आंकड़े लिए। इमरान सर, सबसे बड़ी अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि भीड़ से पंकजा मुंडे भी पिछाड़ी पर दिखाई दे रही है। पहले दो राउंड में पंकजा मुंडे ने अच्छी आगे थी, अभी थर्ड राउंड में पंकजा मुंडे भी पीछे दिखाई दे। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक झटका है बीजेपी के लिए, भीड़ में पंकजा मुंडे पिछाड़ी पर है, ये बहुत देखने वाली बात होगी कि उनकी इसके पहले वो सीट से उनकी बहन सांसद रह चुकी है और अब बीजेपी की तरफ से पंकजा मुंडे पिछाड़ी पर है, ये एक बहुत बड़ी मतलब झटका हो सकता है बीजेपी। बीजेपी ने इस बार जो समीकरण बनाया विधायकों को खासदार की टिकट देकर, ये समीकरण कहीं इफेक्ट कर रहा या गलत निर्णय हो सकता है? हाँ जी, कई कई देखा जाए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि चंद्रपुर में आप देख ही रहो, एक हाई वोल्टेज मंत्री विकास पुरुष के नाम से जाने वाले चंद्रपुर के विधायक और वन मंत्री सुधीर मुनगटीवार जो पीछे चल रहे हैं, ये भी एक बहुत धोखे के संकेत है। और दूसरी ओर पंकजा मुंडे का जो आप देख रहे हैं, ये भी एक हाई वोल्टेज विधायक थी और वो इस तरह से हो रहे हैं। बनारस की भी बात करें तो बनारस अभी तक सोचा जाता था कि बहुत सारे मैच निकलेंगे, लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खुद एक राउंड में पिछाड़ी थे। जी हाँ, वो एक बहुत दुखी की बात है, 4,000 वोटों से एक राउंड में वो पीछे थे, भले ही वो अभी आगे चल रहे हैं मगर कुछ देर पहले वो पीछे दिखाई दे रहे थे। वही स्मृति ईरानी भी
पीछे चल रही है अमेठी से, ये भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वहां पे अभी जो दूसरे प्रत्याशी है कांग्रेस के वो लोकल उम्मीदवार है, तो लोगों का रुझान उसके ऊपर बहुत जा रहा है। एक बार देखा जाए पूरा देश का जो समीकरण था, राजकारण था, वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मतलब एनडीए की ओर से विकास काम बताए गए और इंडिया आघाड़ी की ओर से संविधान पे संविधान बचाओ करके ये इलेक्शन पूरा लड़ा गया। तो लोगों की मानसिकता अभी कुछ समय के लिए मतलब 50-50% में दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया आघाड़ी को भी पिछले 2019 से अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है उसमें अच्छी ग्रोथ मिली है। जी हाँ, और आपको एक खबर देना चाहता हूँ इसके बाद, रामटेक से दूसरे फेरी के रिजल्ट आ चुके हैं। दूसरे फेरी में 4,800 वोटों से कांग्रेस के श्याम कुमार बर्वे आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले शिवसेना आगे दिख रही थी, उसके पहले कांग्रेस चल रही थी, अभी फिर से कांग्रेस 4,800 वोटों से दूसरे फेरी में आगे चल रही है। कांग्रेस मतलब रामटेक की बात करें तो कांग्रेस ने अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। सुनील केदार जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने वहां पे प्रचार किया था श्याम कुमार बर्वे के लिए, मीटिंग ली थी, मतलब वो पूरा उन्होंने अपने खुद को वहां पे झोंक दिया था जी। और नागपुर की बात करें या रामटेक की बात करें, कांग्रेस कमेटी में एकजुटता दिखाई दे रही थी जी। ये बहुत देखा गया, कांग्रेस में एकजुटता दिखाई देना एक बहुत बढ़िया था। अरे पिछले लोकसभा में जो कांग्रेस सब बिखरी हुई थी नागपुर और ग्रामीण में, इस बार एकजुट होके कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई है, तो शायद उसी का कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। हाँ, फिलहाल तो नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, लेकिन रुझाव पूरे आने के हैं, 4 या 5 बजे तक पूरा स्पष्ट होगा चित्र। लेकिन देश की या महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए को आत्मचिंतन की जरूरत है। इसके पहले भी हमने बात किया था, एकनाथ खड़से ने बोला था कि बीजेपी को आत्मचिंतन की जरूरत है, खासकर महाराष्ट्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि वो चित्र अभी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में 6 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे भी देखा जाएगा कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि महाराष्ट्र में महायुति 18 और महाविकास आघाड़ी 28 पे आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा फायदा मिलते नजर आ रहा है, यही युति महायुति को थोड़ा सा नुकसान देखने मिल रहा है। बाराबंकी की सीट से सुप्रिया सुड़े आगे चल रही है, काफी एक रोचक मुकाबला वहां चल रहा है। वही गढ़चिरौली में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, अशोक नेते पीछे चल रहे हैं, ये एक खबर आ रही है गढ़चिरौली से। और नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में नितिन गडकरी जी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही रामटेक लोकसभा की बात की जाए तो श्याम कुमार बर्वे ये आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड में। इधर हमें कहीं ना कहीं सर मतलब अभी तक जो रुझाव आ रहे हैं उससे महायुति को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। महायुति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सभा भी ली थी जी, तभी ये मतलब ये जो नतीजे आ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या बता सकते हो? ये जो नतीजे आ रहे हैं, बस 10 साल बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद अब इस बार कांग्रेस जो एकजुट आके काम की है, इसकी वजह से शायद ये नतीजे कुछ चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल हुए थे, एग्जिट पोल में बहुत ही अलग सा जा रहा है। एग्जिट पोल जिस तरह से बताया गया था कि 150 सीटों के अंदर कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी निकल जाएंगी, वही वो अभी 225 वोट सीटों में आगे बढ़ रही है। पंजाब में देखा जाए, पंजाब में आप और कांग्रेस को अच्छी मिली बढ़त नज़र आ रही है और बीजेपी का वहाँ खाता नहीं खुल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सभी सीटों में मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, वहाँ कांग्रेस ने अब तक बढ़त में खाता खोला नहीं है। नकुलनाथ कांग्रेस के छिंदवाड़ा के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि महायुति को 17 और महाविकास आघाड़ी को 29, ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे काफी चेंजेस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद लोक विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस समय ऐसी ये इलेक्शन को बहुत ही विधानसभा के नजर से भी देखा जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस की ताक लगी हुई है यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो,
उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, सभा लिए थे, मीटिंगें लिए थे, उसके बावजूद भी अभी तक के जो रुझान आए हैं वो महायुति के फेवर में नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, अब तक जो रुझान आया है वो महायुति के फेवर में नहीं है, सही कहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर पूरी अगर आकलन किया जाए 47-48 सीटों का महाराष्ट्र में, तो 11 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, शिंदे की शिवसेना 5 सीटों में आगे चल रही है, अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, वही ठाकरे गुट की 10 सीटों में आगे चल रही है, वही शरद चंद्र पवार ग्रुट राष्ट्रवादी को 9 सीटें और कांग्रेस 10 सीटों में आगे चल रही है। ये एकदम रुझान एकदम अलग नजर आ रहे हैं। मतलब जो भी पोल सामने आए थे अभी पिछले 2 दिनों में वो सब पोल के बिल्कुल विपरीत ये परिणाम महाराष्ट्र के लिए दिखाई दे रहा है। और विदर्भ में बता दूं कि 5 सीटों में विदर्भ में कांग्रेस आगे चल रही है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बढ़त की स्थिति है। और भंडारा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे भी काटपे की टक्कर चल रही है, भले ही अभी बीजेपी के नेता मेंडे जी आगे चल रहे हैं मगर ज्यादा मार्जिन वहां नजर नहीं आ रहा है, 1000 के अंदर का मार्जिन। एक पूरा अपन एनडीए का जो भी एक लोकसभा चुनाव का एक दौर देखे तो जीते भी दिग्गज नेता थे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने पूरे देश में खुद को झोंक दिया था, सभाएं लिए थी, मीटिंगें ली थी, सब सब योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में या नागपुर में भी विदर्भ के लिए उन्होंने प्रचार किया था। तो ऐसी क्या खामियां है या क्या मतलब लोगों के मन से यह मोदी लहर अभी कहीं निकलती नजर आ रही? मोदी लहर का थोड़ा सा एक इंडिया आघाड़ी का एकजुट आना कहीं ना कहीं मोदी लहर को थोड़ा सा टक्कर देने लायक हो चुका था। इसके वजह से देखिए विदर्भ में भी इसकी लहर आपको दिख रही है, विदर्भ में 10 सीटों में से 7 सीटों में महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है और 3 सीटों में युति, उसमें से 2 सीटें बीजेपी की आगे चल रही है और 1 शिवसेना की। तो दर्शकों जाते जाते फिर से हम महाराष्ट्र की एक अपडेट दे दें आपके, महायुति 17 पे तो महाविकास आघाड़ी 29 सीटों पे आगे चल रही है। ऐसे ही अपडेट के साथ फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।